भारत देश के इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। यहां पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। हम यहां पे यहां के जनप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को हम धन्यवाद करने के लिए हम बोले हैं। आज हमारे समाज के हमारे समाज के मंत्री संजय बाबू रावत जी को आज मंत्री दिए हैं, उसने हमें आज हमको अभिनंदन करने के लिए हम आए हैं। सर शेख साहब आपको धन्यवाद करने के लिए है। बहुत सब और हम साहब को धन्यवाद करने के लिए हैं। हमारे संजय बाबू आज मंत्री ने बोला है, हम उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। सर क्या हॉनर सर, और कम्युनिटी हॉनर ऑफ इंडिया जो हॉनर और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मंच पे हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी और संजय बाबू राठौर जी और एक गैंग डेवलपमेंट लीडर हमारे दोस्त मेरे डॉक्टर कलीग जब भी वो पार्लियामेंट में बात करते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं। वो तो जिस तरह बात करते हैं वो फ्लोर लीडर थे, अभी भी फ्लोर लीडर होंगे। आज एकनाथ शिंदे साहब के बेटे हमारे श्रीकांत सिंह जी, नरेश बचके जी एक्स मेयर पात्रे जी और हमारे आलिया के बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष और आज के प्रोग्राम के कार्यक्रम भूति शंकर पवार जी मंच पे बैठे हुए तो महान लोग महान भाइयों पूरा भारत देश में नवीन कर रहा है। और सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी को भी हम धन्यवाद करते हैं। हम जब हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बीजेपी की हो रही थी उस दिन हमको दो अच्छी खबर है। ये एकनाथ शिंदे सब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और एक हमारे ड्राइवर लेडी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कोई कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज हमारे बंजारा समाज पूरा भारत देश में 10 से 12 करोड़ लोग हैं हमारे। आज हमारे सीनियर साहब को हमारे सरकार पहुंचने ने पूरा हमारी रिक्वायरमेंट हमको जो जो चाहिए वो बता रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री हमारे बाद में बैठे थे एक एक डिटेल पूछ रहे थे वो पूरा नोट कर लिए हैं। जो जो चाहते हैं बंजारा समाज के लोगों को क्या तकलीफ है। मैं कर्नाटक और मेरे खास कर हमारे राम राम बापू सर, हमारे राम राम महाराज जी की भारत देश का हमारे महाराज हमारे सिंधे भाव राठौर जी वहां पे बहुत बड़ा दिन में काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे नेशनल लेवल पर और भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बंजारा डेवलपमेंट बोर्ड बनाने के लिए हमको मेरे इलेक्शन आज बोले थे। कोरोना के लिए जो हो गया आप लोग हम मिलकर और एक बार नरेंद्र मोदी जी से इस हिसाब से हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये पैन इंडिया हर लोगों को दर्द होगा। सर पहली बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमपी में बना हूं स्वतंत्र भारत में। आज हमारे लोग बहुत मेहनत से बहुत तकलीफ उठाकर हमको एमपी बनाया है सर और हम सारा हिंदुस्तान में बंजारा समाज एक बन गए हैं। अभी पहली बार संत सोलाल महाराज के जयंती को राम राम बापू अपने जिंदगी में सपने देखे थे कि दिल्ली में सोलाल महाराज का झंडा खुले और भारत देश को बंजारा समाज हो। आज पहली बार दिल्ली में राम राम महाराज यहाँ पे टूट लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर 2015 तारीख को दिल्ली में संत सोलाल महाराज की जय हुई सर और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार जो हमारे लिए 5 एकड़ जगह देने के लिए वो प्रोसेस में चल रहा है सर। और बॉम्बे हमारा दक्षिण भारत में
सबसे बड़े हमारे दादा लोग बॉम्बे में रहते हैं। मेरे तरफ से आपको विनती रिक्वेस्ट है सर, आपके खाना में या कल्याण में हमको एक 5 एकड़ जगह दे दीजिए, हम जिंदगी भर सूरज चार ग्रह तक आपके ऋण रहेंगे सर, आपके साथ रहेंगे सर। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम जब आते हैं रोप पे जोश बोलते हैं सर, हमारे पास इकोनॉमिकल यारवी इकोनॉमिकल यारवी एंड पॉलिटिकल आल्सो, जैसे शंकर पॉल साहब बोल रहे सर, हमारे महाराष्ट्र में मैं तो रोप इंडिया में घूम रहा हूँ, लोग आपके साथ है वो जानते हैं, आप पूरे नीचे लेवल से टॉप लेवल आए हैं सर, बहुत नीचे से आप उठे, आप जानते हैं लोगों की तकलीफ, आपको रिक्वेस्ट करेंगे सर, मैं आपके पैर को नमन करता हूँ, हमारे समाज को एक जगह दीजिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर, बहुत जरूरी है सर। और एक गैस सर्टिफिकेट का इशू आप पूछ रहे थे, 1972 बंगाल आने के बाद हमारे कर्नाटक में पूरे लोग यहाँ पे बस गए हैं, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन भी आ गए हैं, उन लोगों का सर्टिफिकेट का इशू है वो भी सेटल करने के लिए विनती करते हैं सर। सर आज भारत देश में हम हमारे श्रीकांत सिंह साहब को भी बता रहे हैं, हम जहाँ पार्लियामेंट बने हैं आज जहाँ पार्लियामेंट बने हैं वो हमारा लाल सिन्हा ताना था सर, वो जो ताना गिर सरकार बोला उसको एक्सेप्ट करने के लिए आगे चीजें कर रही थी, जब हम नीतीश बंडारा जी के हमने जन्मोत्सव मनाया हिस्टोरिकल, उस दिन हमारे मंत्री केंद्र मंत्री 5 मंत्री हमारे किशन रेड्डी साहब उस दिन डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जहाँ बना है वो ताना था, उसका इंटरव्यू निकाल गया सर, हमारे लोग बहुत इमोशन में बोल रहे हैं, एक बार भोगा के लिए तो जिंदगी को भरा भोगा करते हैं सर, और एक बार में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए नेक्स्ट जेबी के असेंबली इलेक्शन आएगी सर, हम आपको गारंटी देंगे, आप जितने भी टिकट देंगे 100% हम जिताएंगे, क्योंकि हमारे पास वीरेंद्र पाटिल जी थे मुख्यमंत्री, हमारे वीरेंद्र पाटिल जी थे बंजारा समाज को पहली बार 6 सीट दिए सर, 6 के 6 उसमें एक सीट कैंसिल कर दिए, 5 सीट पूरा ज्यादा नहीं से जुटा गया है, आपको भी साथ देंगे, और मैं आपको और एक बार धन्यवाद करता हूँ बहुत नहीं, क्योंकि आपका बात और हमारे डॉक्टर साहब का बात सुनने के लोग तड़प रहे हैं, और एक बार आपको आपका पेशेंट को आप एडवांस में आकर पूरा हमारे साथ दो घंटे हमारे साथ है, और एक 2 घंटे दीजिए सर, हमारे कल्चर प्रॉब्लम बहुत होगा, बहुत बहुत खुश है आपको आपके टीम को सबको मैं बधाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, भाइयों गोमा के भाई उन पूछो आप मन मोटो कर लो दल मोटो कर लो, आप समाज गरीब समाज से गोपुरवाद के सामने मां को खराब न करो, आप से एक दिन लड़ लो सारी भारत जैसे गोरमा जी 10 से 14 करोड़ लोग से हमारा मध्य प्रदेश मरवाना लोग से हर स्टेट के कई लोगों का मिले से आजादी भारत के आजाद हुए ना 25 ईयर पर आपने निकाल मत आज तो मका मरो सा आज तो मका मरो सा आप ना मुख्यमंत्री बोलो